बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत युगों युगों की, तीन तीन चार चार पीढ़ियों का, बाबर मुगलों को और भारत के महान सपूतों का ये लड़ाई थी। तो मेवाड़ की जो शक्ति है वो बड़ी कमजोर हो गई थी, अस्त्र शस्त्र कम हो गए थे, वीर सैनिक हजारों वीरगति को प्राप्त हुए, बहुत सारे घर उजड़ गए, मेवाड़ की आर्थिक व्यवस्था बड़ी चरमरा गई, भामाशाह ने दान दिया, ये सारी घटनाएं आपने हमने पढ़ी है। लेकिन उस समय में किया क्या जाए, ऐसा क्या करें जिससे हम वापस शक्तिमान हो और उस युद्ध को जो अधूरा छूट गया था, इस देश की भारत माता की आन शान बान में जो हजारों लोगों का जो वीरगति को प्राप्त होना था, हजारों लोगों की शहादत थी, उसके ऊपर विजय को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके चिंतन होने लगे। महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए अपने महलों को छोड़ दिया, जंगलों में बीहड़ों में जाकर महाराणा प्रताप शक्ति का संचय करने लगे। और कहा जाता है कि कुछ समय ऐसा भी आया कि जिस समय महाराणा प्रताप का पूरा परिवार भूखा रह गया, डुबक की रोटी के लिए तरस गया। जंगल में जो घास फूस वनस्पति मिलती उससे इकट्ठा करके सैनिकों को भी खिलाते, स्वयं भी खाते, गुजारा चलता। लेकिन बालक अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, उनको एक बार घास फूस से भी राजी करने का प्रयास किया। सुजानगढ़ के एक बड़े राजस्थान के कलम के धनी हुए, कलम सिद्धहस्त कलमकार हुए, जिनका नाम हुआ डॉक्टर कन्यालाल सेठिया, जिन्होंने अपना जीवन कलकत्ता में व्यतीत किया। उनकी एक बहुत सुंदर रचना है, कविता आप लोगों ने सुनी होगी, उस कविता का जो शीर्षक है वो पीथल और पाथल नाम से, उस शीर्षक को आपने पढ़ा होगा, मैं आप लोगों के बीच में उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। और मेरा निवेदन है कि एक ऐसी रचना का गायन कर रहा हूं जो इतिहास के उन पन्नों में हजारों साल पहले, सैकड़ों वर्ष पहले, उन हुतात्माओं की, उन वीर सपूतों की याद को ताजा करती है। हूँ लड़ियो घनो, हूँ सयो घनो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बेरा रोखो ने बहावण ने, बेरा रोखो ने बहावण, जद याद करो जद याद करूं हल्दी घाटी, नैनों में रगती उतरी आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी रूप जगा जावे, अरे घास दी रोटी ही वन बिलावड़ो ले भागो, अरे घास दी धोती वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो देख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो, अरे घास दी धोती वन बिलावड़ो ले भाग्यो। नीति पर चलते हैं तो कई बार काम नहीं होते, उस समय कूटनीति का प्रयोग करके उस कार्य को सिद्ध किया जाता है, यह राजनीति का एक लक्षण है, एक गुण है। महाराणा प्रताप को कुछ उनके बहुत करीबी लोगों ने कहा कि महाराणा आज की परिस्थितियों के अनुसार हमको कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों नहीं एक बार भरमाने के लिए सही
आप दिल्ली एक समाचार भिजवा दो कि जैसा तू चाहता वैसा चलो मान लिया कर दिया। महाराणा प्रताप ये बात सुन के खड़े हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बड़े सुंदर से शब्द लिखे, पण्याज बिलख तो देखू जगराज तुम्हार ने रोटी ने, जदयाज बिलख तो देखू जगराज तुम्हार ने रोटी ने, तो क्षत्रि धर्म ने भूलू भूलू महलों में छप्पन भोग जगा मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाड़ा नीलम रे बाजो के बिना धरता कोनी। महला में छप्पन भोग जगा मनवार बिना करता कोनी, और सोनेरी थाड़िया नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी। वे राजकुमार आज जंगलों में दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। राणा झूठ मूठ में सही, लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार कुछ तो सोचिए और आप ये काम कर दीजिए। महाराणा प्रताप ने क्या कहा सुनिएगा, बहुत जोरदार बात है। पण लिखों किया जद देखे है आटा वड़ों चोहियो लिया, पण लिखों किया जद देखे है आटा वड़ों चोहियो लिया, चित्तौड़ झुकों किया है आण मन कुड़िरा के शरिया पानारी, हो बुझू किया हो से सलपट आजादी रे परवाना, मैं ये अरावली की पर्वतमाला मुझे देख रही, हजारों लाखों वीर सपूतों के बलिदान को ये हल्दी घाटी का मैदान देख रहा, चेतक का बलिदान मुझे निहार रहा, मां पन्नाधाय के चंदन के बलिदान को देख रहा, और इन लोगों के बलिदान के ऊपर मैं ये हार का पत्र लिख दूं, ये नहीं हो सकता। कुछ भी हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मित्रों सज्जनों माताओं बहनों भक्तजनों, एक बार जब अपने पुत्र की तरफ एक बार महाराणा प्रताप की नजर गई, पण फेरी सम्राट संदेशो राणा रो कागज पांच होयो अकबर रो सपनो सो साचो, पण ने करो विश्वास नहीं जद बाच बाच ने फिर बाचो। पत्र दिल्ली गया, अकबर ने पत्र पढ़ा, लेकिन अकबर जानता था कि यह हो नहीं सकता, लेकिन इस पत्र की सच्चाई कैसे पता करें कि यह क्या है। मित्रों महाराणा प्रताप के बहुत सारे भक्त थे, और उसमें एक भक्त जो है वो बीकानेर से पृथ्वीराज सिंह राठौड़ है। अकबर को यह पता था कि इस पत्र की सच्चाई और कोई नहीं बता सकता, यदि पृथ्वीराज को पूछा जाए तो वो बता देगा कि ये क्या है। दिल्ली से समाचार बीकानेर गया, और बीकानेर से पृथ्वीराज को जब भी समाचार गया तो पृथ्वीराज दिल्ली के लिए रवाना हुए। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया
पृथ्वीराज सिंह के लिए भी लिखते हैं कि वो कैसा व्यक्तित्व था। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगे तो तालियां बजाना। वीर बापुरे पीथड़ ने रजपूती गौरव भारी हो, वीर बापुरे पीथड़ ने रजपूती गौरव भारी हो, वो छात्र धर्म को नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। तेरा रे मन रो खाटो हो, बीकाणो पूत करारो हो, राठौड़ रणा मेरा तो हो, बस सागी तेज दुधा। और आबाद आबाद बादशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने पीथल ने दिल्ली बुलायो हो, राणारी हार बचावण ने। अकबर चाहता था कि इस पत्र को मैं ना पढूं, बल्कि राणा के सबसे बड़े भक्त पढ़ के पूरी दुनिया को सुनाए कि राणा हार गया। भरी कचेरी में बहुत सारे विदर्भी लोगों के बीच में एक हिंदवा सूर्य की आन बान शान लिए पृथ्वीराज सिंह राठौड़ खड़े हैं। और पत्र अकबर ने पृथ्वीराज के हाथों में थमाते हुए कहा कि मैं देखता हूं कि अब तो अपनी मूछों को किस प्रकार से ऐठन मारता है। ये पत्र पढ़ के सुना पृथ्वीराज सिंह, वो पत्र पढ़ रहे हैं मित्रों, और धीरे धीरे पृथ्वीराज के पांव में कंपन शुरू हो रहा है कि ये क्या पढ़ रहा हूं। और पांव इसलिए कांप रहे, उन विदर्भियों के भय से पांव नहीं कांप रहे पृथ्वीराज के, पांव इसलिए कांप रहे कि ये पत्र पढ़ने के बाद में तुरंत मुझे जवाब देना है कि इस पत्र की सच्चाई क्या है, वो जवाब मैं क्या दूंगा। और अकबर पृथ्वीराज के सामने देखकर मर डूब चलू भर पानी में झूठा ही गाल बजावे हो, मर डूब चलू भर पानी में झूठा ही गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो वीराने को तू भाट बन्या भिड़ता। आज बादशाह धरती को मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मणे किन रजवट रे रजपूती खून रगा में। चिल्लू पर पानी में डूब के मर जा, जिस राणा की तू भाट बन के वृदावली गाता था, आज वो मेवाड़ी पाग अकबर के पैरों में पड़ी। सजनों, पृथ्वीराज ने वो पत्र पढ़ा, उसको लगा कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। पढ़ते पढ़ते मन में स्वयं को दिलासा दे रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पत्र के अंत में मेवाड़ के राजवंश की मोहर लगी हुई थी और वो मोहर देखती पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। लेकिन वो राजस्थान का बेटा था, वो जानता था कि मेरी अभी की इस प्रतिक्रिया का इतिहास में किस प्रकार से विवेचना होगी, इतिहास में इसका विश्लेषण कैसा होगा। और तुरंत बड़ी चतुराई से पृथ्वीराज ने जहां पना महाराणा प्रताप के उस पत्र के जवाब में अकबर को बोल दिया कि जहां पना क्या बात करते हो, आप हुक्म करें तो ये तो कागज लग रहा है मुझे, फिर भी आप कहें तो मैं पता लगा लेता हूं कि है क्या। अकबर को तो जानना ही वही था। तब पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। मित्रों, वो पत्र इस कविता का क्लाइमेक्स है। और पत्र में लिखा, मैं आज सुनी है ना हरियो साला रे सागे सोवे लो, मैं
सूरज रो बादल री ओटा खोवे लो। मैं आज सुनी है चा तकड़ो धरती को पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूनिया जीवे लो। लिखते हैं कि महाराणा क्या सुन रहा हूं कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के गीदड़ों के साथ में बकरियों के बाड़े में रहेगा। चमकता चमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पीने पीने पानी जैसी बनी ही नहीं वो चातक भी अब धरती का पानी पिएगा और मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। ए राणा मैं क्या सुन रहा हूं, बड़े गंभीर अक्षर लिख दिए डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने मन की बात लिखते हुए कहा। मैं आज सुनी है तारे है मुछारी मोड़ मरोड़ गई पीथल राणा ने लिख भेजो आपात कथा तक गिना सही। निवाड़ पत्र पहुंचा महाराणा प्रताप सोए हुए थे। प्रभात के वक्त में वो महाराणा प्रताप को पत्र दूत ने लाके दिया कि राणा ये पत्र है। सजनों उस पत्र में पृथ्वीराज के ये बोल सुन के महाराणा प्रताप आधी रात को खड़े हो गए और अपने सैनिकों को अपने वीर सपूतों को जगाते हुए कहा कि सोने का वक्त नहीं है, आज यदि हम सो गए तो ये मां भारती की आन बान शान सदा के लिए लुट जाएगी, जगना पड़ेगा। जब तक हम जिएंगे कितनी भी सैनिक की कमी है कितना भी कमी है लेकिन हमको लड़ना पड़ेगा। आजादीरा रखवाड़ा सूता मत रही जो क्योंकि आजादी ने वे राखे जो मरने री मन में राखे गए। आजादी ने वे राखे जो खांदे पर खापण रखे। ये डॉक्टर झोरड़ा गांव के कांदान कल्पित की पंक्ति आप सुन के देखो। थलरा आखर पड़ता ही राणा री आख्या लाल हुई। धिक्कार मने में कायर हूं नाहर री एक तत्काल हुई। हूं भूख मरू या प्यास मरू मेवाड़ धरा आजा रहे। हूं गोरे उजाड़ा में भटकू पण मन में मारी रजपूतन रो जायो हो रजपूती कर चुकाओ लो। ओ शीश पड़े पर पाग नहीं दिल्ली को मान घटाओ लो। पीथल काई खिवता बादल की जो रोके सूर्य उगाड़ी ने। हे पृथ्वीराज आज तक धरती पर किसी प्राणी ने जन्म नहीं लिया जो शेर के पंजे की मार को सह सके और तुम अपनी मूछों को कभी नीची मत होने देना। मैं अपने रक्त कणों से मां भारती की मांग सजा दूंगा और इस उजड़े हुए राजस्थान को फिर बसा दूंगा। यह अखंड प्रतिज्ञा करता हूं, न रुकूंगा न झुकूंगा न थकूंगा। और महाराणा प्रताप लिखते हैं आहा था मैं तनवार थका तो अंगारों
पग पर खांडो खड़के राखो थी मूछा छोड़ी लोहिरी नदी बहा बोला हूँ अथक लड़ूला अकबर सु उजड़ो मेवाड़ बसा बोला। बस कुछ नाम बदल गए हैं। उस समय महाराणा प्रताप थे, उधर अकबर था, आजकल इधर अकबरुद्दीन है और उधर दिल्ली में। संकेत ही करूंगा मैं आपको, ये सारी बातें खुल के बोलूंगा नहीं, आपके मन की बात को जानता हूं। बस ये हम सर्वे भवंतु सुखिनः वाले लोग हैं, वसुदेव पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं, उस प्रकार के लोग हैं। लेकिन यदि हमको कोई छेड़ेगा तो रणभूमि में फुफकारते हुए नाग से भी हम ज्यादा हैं। ये भारत के हिंदू समाज का ये जागृत अवस्था की ये उदाहरण है। तो महाराणा प्रताप का जब संदेश गया, तालियां बजा देना, जद राणा रो संदेश गयो पीथल री छाती तूणी ही। हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर दी दुनिया सोनी। हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर दी दुनिया, अकबर दी दुनिया, अकबर दी दुनिया।